दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ दोस्तों भारत की शास्त्रीय भाषाएं बोले तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, और कितनी तरह की क्लासिकल लैंग्वेज बोली जाती है और उन्हें कैसे याद करना है वो भी ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा दोस्तों। तो सिंपली आपको एक लैंग्वेज वर्ड याद करना है, वो संस्कृत का ओम से टीटी बन गया। तो इसमें यूजफुल वर्ड है दोस्तों संस्कृत का ओम से टीटी। संस्कृत का ओम से टीटी अगर आपको याद है तो आपको सारी भाषाएं भी याद हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपली हम इसको देख पा रहे हैं दोस्तों, संस्कृत से संस्कृत भाषा हो जाएगी, संस्कृत का से कन्नड़ हो जाएगी, ओ से ओडिशा हो जाएगी, ओ म से हो जाएगी मलयालम, और उसके बाद में टी से हो जाएगी तमिल, और फिर टी से हो जाएगी तेलुगु। तो कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों, अपने मुख्य रूप से 6 भाषाएं हो गई क्लासिकल लैंग्वेज। कितनी हो गई दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज 6 हो गई जो कि भारत के अंदर बोली जाती है। संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, ओडिया हो गई, देन उसके बाद में मलयालम हो गई, तमिल हो गई और तेलुगु हो गई। इस प्रकार से दोस्तों 6 भाषाएं हैं जो कि भारत में बोली जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज बोले तो शास्त्रीय भाषा दोस्तों। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।